देखिए 35A, मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स हिम। तो ये वर्टिकल टावर सामने रोड, स्टैंडर्ड फिगर ऐसी बनेगी। इफ इट टेक्स 18 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा डिप्रेशन, और ये जो है ये 60 डिग्री होगा। अनु जी अगर आपको डाउट है तो रोकिए। देखिए अनु जी, जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक फंडा समझाना चाहता हूँ, वो जरा फंडा समझ लीजिए। देखिए ये जब ग्राउंड होता है और ये आपका हिल है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्राउंड के पैरेलल होती है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो लिया जाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे लिया जाता है, और जो आपको मैडम बता रही थी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के इक्वल हो जाता है। अब मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाना चाहते हैं, अगर आप अध्यापक को बताना चाहते हैं कि आपको मैथ्स आता है, तो आपको पहले ऐसे एंगल दिखाना चाहिए और ऐसे करके दिखाना चाहिए, रिकमेंडेड है। नहीं समझ में आया? उसका फ्रॉम हाइपोटेन्यूज यार एक एक सेकंड, मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको वो समझ आ रहा है, उसमें कोई डाउट है? ओके अब आप बोलिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए ये 90, मैं आपकी बात समझ गया, आप उसके बाद कुछ भी जो भी उल्टे सीधे काम करना चाहते हैं आप करते रहिए। आप इसको, ये वाला जो एंगल है इसको आप 60 करना चाहते हैं, ये वाले एंगल को 30 करना चाहते हैं, वो सब करते रहिए, वो आपकी इच्छा। मैं जो कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो आपको समझ आया नहीं आया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? तो ये वाला जो डिस्टेंस है मित्रों, ये जो डिस्टेंस है ये 18 मिनट में, 18 मिनट में ट्रेवल हो रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है? तो 18 मिनट, और अब देखिए ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है? तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। ये 18 मिनट में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यहाँ तो कोई डाउट? मैं ए बी सी डी, ट्रायंगल ए बी सी ले लेता हूँ, बाकी सारा जो नॉनसेंस मुझे नहीं चाहिए वो सब मैं निकाल देता हूँ, ताकि मैं शांति से क्वेश्चन को देख सकूँ और अपना काम कर सकूँ। तो ए बी सी जब मैं लूँगा तो ये हिल है, तो मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? जी, मैन टॉप वर्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड 18 मिनट 30 60, हाउ रीच द कार, बस और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो ये अगर मैं एच लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टैन 60 इज इक्वल टू √3, तो एच जो है वो बी सी, √3। फिर मैं ट्रायंगल ए बी डी लेता हूँ, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो एच जो है वो बी डी अपॉन √3 आ जाता है। यहाँ तो कोई दुख क्लेश वेदना, यहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आती है कि जो बी सी है वो h/√3 है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या आती है कि बी डी जो है वो h√3 है। अनु जी यहाँ तक कोई डाउट है? अनु जी चेक करते रहिए मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। सी डी जो है वो बी डी माइनस
बी डी माइनस बी सी है। एच रूट थ्री माइनस एच, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये रूट थ्री अपॉन थ्री आता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एच रूट थ्री वन माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री। जी बताइए। सी डी, सी डी जो है वो बी डी, ये पूरा जो बी डी है माइनस बी सी। नहीं, सी डी दिया नहीं है मुझे, सिर्फ ये बताया कि 18 मिनट में ट्रेवल होता है आंसर भी इतना देर में जा सकते हैं कंट्रोल करने का जरूरत ही नहीं उसी है में। लोगों को, फाइंड करना है कितना देर लगेगा बीसी से अगेन सी से भी आने में, तो मैंने इसको मैंने कहीं कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। मैं अब एक रास्ता पकड़ा है, उस रास्ते पे चलते रहूं, हो सकता है ये लंबा हो, बट अब बीच रास्ते में मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। विनीत बाबू बोलिए, हो गया ठीक है, छुट्टी कीजिए, ऐश कीजिए। तो एच रूट थ्री माइनस एच अपॉन रूट थ्री, एच रूट थ्री माइनस एच रूट थ्री अपॉन थ्री, एच रूट थ्री टू बाय थ्री, तो टू रूट थ्री बाय थ्री एच। यहाँ तक ठीक है अनु जी? तो स्पीड जो है वो किसके इक्वल है, टू रूट थ्री एच अपॉन थ्री अपॉन 18। नहीं समझ में आया, इतनी स्पीड है कार की। मैंने अभी तक, एक एक सेकंड, मैंने अभी तक जो किया उसमें कुछ गलत है क्या? 2 मिनट रुक जाइए, फिर 2 मिनट रुक जाइए, मुझे अभी जो मैंने रायता फैलाया उसको संभालने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुन लेता हूँ ठीक है। तो इस स्पीड से कार चल रही है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस ये कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी। ये डिस्टेंस है क्या, बी सी जो है वो है किसके इक्वल, वो किसके इक्वल है, एच बाय रूट थ्री। तो टाइम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस एच अपॉन रूट थ्री। सर नेक्स्ट कब आ रहे हैं आप, नेक्स्ट कब आ रहे हैं? ठीक है, थर्सडे को आ जाएगी, थर्सडे को आ जाएंगे। सी यू, टाटा। मेरी बात समझ आई? ये डिस्टेंस है एच अपॉन रूट थ्री, ये डिस्टेंस है ये वाला, और स्पीड जो है वो ये है। अनु जी बात समझ आ रही? अगर मैं ये सब काम धंधा करता हूँ तो क्या होता है, एच अपॉन रूट थ्री इंटू 318 अपॉन टू रूट थ्री एच। ये एच और ये वाला एच कैंसिल हो गया, इंसिडेंटली ये वाला रूट थ्री, ये वाला रूट थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गया, ये टू और नाइन कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो कितना आ गया, 9 मिनट्स। नहीं समझा? अब आप जो कह रहे हैं अनु जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात भी समझ गया जी। 2 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि स्पीड तो सेम ही है, मतलब जो उसकी रेशियो है वो तो सेम ही रहेगी। अगर उसकी रेशियो सेम रहेगी तो सी डी जो है वो अगर इसके इक्वल है और बी सी जो है वो इसके इक्वल है, तो अगर मैं सिंपली, मैं यहां आपको करके दिखाता हूं, अगर मैं सिंपली डिस्टेंसेस की रेशो ले लूं कि मैं बी सी अपॉन सी डी ले लूं, तो बी सी अपॉन सी डी जो रेशो है वो इंटू 3/2√3h। तो ये जो रेशो आएगी, ये हाफ आएगी, तो बी सी अपॉन सी डी जो है वो हाफ आएगी। मतलब ये अगर 18 मिनट है, सी डी अगर वो 18 मिनट में करता है तो बी सी जो है वो 9 मिनट में करेगा। क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ और ही बोल रहे हैं? जी बताइए स्पीड फाइंड करने का जरूरत ही नहीं जी है जी डायरेक्टली, बिकॉज मिनट्स में दिया है आंसर भी, कितना मिनट लगेगा रीच करने में जी 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 स्पीड तक, अगर डायरेक्टली नहीं तो 18x ले लो, समझ लो अच्छा 18 लाइक मिनट्स ले लो, अच्छा वैसे फाइंड करोगे। फ्रैंकली मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, या तो आप मुझे करके बताइए। जी आप बताइए, जी जी बताइए। ओके, तो कुछ कॉट शॉर्ट ये वो फलाना ढिमकारा, 9 मिनट आ गया ठीक है। आप दोनों इसी तरह करना चाहते हैं, आप भी ऐसा करना चाहते हैं, बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये भी समझ आ गया कैसे किया जा सकता है, आपकी इच्छा, समझदार बच्चे हो, जैसे आप करना चाहते हैं।
ये नहीं सकता, पीसी को